फ्रेंड्स वेलकम बैक टू आवर चैनल अन्वेशास क्रिएटिविटी। और आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है क्रोटन के ऊपर, क्योंकि अगर आप अपने क्रोटन के प्लांट को घना और सुंदर बनाना चाहते हैं तो ये सही टाइम है। इसमें कुछ ऐसे काम करने होंगे आपको कि जो अगर आपने अभी करिए तो आपका क्रोटन जो है, अगर आपके स्टेम ही रह गई है तभी भी उसमें बहुत ज़्यादा संभावनाएँ हैं नई पत्तियाँ आने की और नई ग्रोथ स्टार्ट होने की। तो कुछ काम है जो कि आपको करने पड़ेंगे, तो वो क्या काम है वो बताऊं उससे पहले आपके लिए नोटिफिकेशन दे रही हूं कि अगर आपने वीडियो को पसंद किया तो उसको लाइक जरूर करें, और चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर ले विद बेल बटन इसी टाइप के वीडियो आगे भी देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो दिखा दूं मैं आपको अपने ड्रेसिना का प्लांट जिसको मैंने प्रोपोगेट किया था। ये देखिए, ये सारे बेबी प्लांट मैंने इसमें से प्रोपगेट कर दिए थे और एक ये बेबी प्लांट रह गया था और ये भी अच्छे से ग्रोथ की स्टार्ट हो रही है। हालांकि ये देखिए काफ़ी सारी रूट्स जो हैं, एक रूट ये अभी रह गई है, नहीं रूट नहीं है ये, तो इस टाइप से ये भी अच्छे से चल रहा है और इसमें भी नई पत्ती निकल रही है। साथ ही साथ जो मैंने प्रोपगेट किए थे ये एक गमले में लगाए थे मैंने, ड्रेसिना के प्लांट ये एक गमले में मैंने तीन लगाए थे और इनको देख करके ऐसा लग रहा है कि ये स्वस्थ हैं अभी। तो अगर आप प्लांट को रिपोर्ट कर रहे हैं तो आप चेक कर लें, आपको 3-4 दिन में पता चल जाएगा कि आपका प्लांट स्वस्थ है या नहीं है। तो ये मैंने रिपोर्ट किया था और ये इसके पत्ते थोड़े स्टेबल हैं, इससे पता चलता है कि ये प्लांट स्वस्थ है। तो टाइम लगेगा थोड़ा ग्रोथ नहीं करने में, लेकिन अगर ये स्वस्थ है तो ग्रोथ भी ज़रूर करेगा। साथ ही एक मैंने यहाँ पर भी छोटी सी बास्केट में लगाया था, ये भी तीन मैंने लगाए थे। ये देखिए थोड़ी थोड़ी गैप के बाद में ये भी स्वस्थ लग रहे हैं, तो इनकी भी ग्रोथ उम्मीद करती हूँ हो जाएगी। और इसके बाद में दिखा देती हूँ आपका ये अपना डायंथस का। तो डायंथस का ये मेरा पिछले साल का ही था सर्दियों का, और इसमें आज एक नया फ्लावरिंग हुई है और ये देखिए इसमें नई फूल भी बनने शुरू हो गए। एक यहाँ पे कली बनी है और एक इसमें से बनेगी। हालांकि मैंने कई दिनों से इसमें कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं दिया है, जिसकी वजह से ये प्लांट मेरा ऐसे ही है, तो फर्टिलाइज़र देने का टाइम आ गया है। तो चलिए अब अपना दिखा देती हूँ क्रोटन। मेरा क्रोटन है ये, जो कि आपने देखा होगा इस टाइम। सबसे पहली बात, एक ज़रूरी चीज़ बता दूँ कि क्रोटन के ऊपर सफ़ेद कलर के बहुत ही बारीक बारीक वाइट कलर के कीड़े उड़ने वाले जो बहुत लगते हैं इस टाइम, देखिए मेरे भी प्लांट में लगे हुए थे। तो मैं इसके ऊपर आजकल डेली एक दिन छोड़ कर के एक दिन के बाद में पानी देने की जगह पहले मैं शावरिंग करती हूँ इसमें, अच्छे से स्प्रे बॉटल से अच्छे से शावरिंग कर देती हूँ। तो उसका जो पानी होता है, वो एक्स्ट्रा पानी जो उसको मिलना होता है वो मिल जाता है, और जो कीड़े होते हैं वो भी चले जाते हैं। और जैसे 3 से 4 दिन के बाद में एक भी ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड, मैंने काफ़ी सारे आपके साथ में शेयर किए हुए हैं, तो वो उनमें से कोई ना कोई शेयर कर देती हूँ, जिस इसके ऊपर स्प्रे कर देती हूँ, जिसकी वजह से मेरे प्लांट में कीड़े नहीं लगेंगे। क्योंकि इस टाइम पेस्ट अटैक सबसे ज़्यादा होता है, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि इस टाइम पर पौधों में, जैसे बरसात चल रही है तो पौधों में इस टाइम ग्रोथ अच्छी होने की संभावना होती है। संभावना क्या मतलब, ग्रोथ अच्छी होती ही होती है, लेकिन उसमें कुछ काम भी करना पड़ता है जिसकी वजह से आपके प्लांट मतलब स्वस्थ रहें। तो सबसे पहली बात तो ये कि प्लांट में कभी भी डायरेक्ट बारिश में हमेशा के लिए ना रखा रहने दें। जैसे पौधों में जैसे बारिश हुई है तो आपने बारिश में रख दिया है, उसके बाद में इसका पानी भी ड्रेन होना चाहिए। दूसरी बात ये, जब मिट्टी सूखी है तो उसमें गुड़ाई भी कर दें, तो गुड़ाई करने के बाद में फिर इसमें फर्टिलाइज़र का भी ध्यान रखें, क्योंकि बारिश के बाद में काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो पानी के साथ में बह जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे प्लांट को उतना फर्टिलाइज़र नहीं मिल पाता। ये दिखाऊँ मैं आपको, ये देख रहे हैं आप ये वाइट कलर के नन्हे नन्हे कीड़े, ये मर चुके हैं और इसके मरने के बाद में इसी के ऊपर चिपक गए हैं। तो इस टाइप के कीड़े बहुत अटैक करते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखें और गुड़ाई भी कर दें, फर्टिलाइज़र टाइम टू टाइम देते रहें। और घना बनाने के लिए और नई ग्रोथ स्टार्ट करने के लिए जो आपको काम करना है, जो मेन आज का पॉइंट है वो ये है कि अगर आपके पौधे में इस टाइप से ब्रांचेस निकली है ना, जैसे ये ब्रांच है, एक ये ब्रांच है, एक ये ब्रांच है, आपको दिख रही होंगी, ये देखिए ये ब्रांचेस निकले ना, ये वाली इस टाइप की जो ब्रांचेस हैं नीचे और ऊपर की, आप देख रहे हैं एक एक पत्ता ही लगा हुआ है। हालांकि अगर आप इनको कट कर देंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ से प्रून कर देंगे आप, तो यहाँ पर आपका जो ब्रांच है उस पर से डबल ब्रांचेस निकलेंगी। मैंने भी यहाँ पर एक मेरी ब्रांच थी, इसको ये देखिए, ये आपको दिख रहा है यहाँ पर,
ये नॉर्थ सी जो दिख रही है इसको मैंने कट कर दिया था, तो यहाँ से ये दो ब्रांचेस निकले हैं, यहाँ पर मैंने कट कर दिया था, फिर ये नई ब्रांच निकली है, और यहाँ से देखिए कितनी सारी वो निकले हैं, मेरे पत्ता काफ़ी सारे निकले हैं, और ये प्लांट मेरा घना होता जा रहा है। बस मेन चीज़ इसकी ये है देखने में कि इसमें पेस्ट ना लगे, पेस्ट लगे हैं तो इनको रिमूव कर दें, चाहे हैंड से वॉश करें, चाहे आपने डेली शावरिंग से वॉश करें, लेकिन इसमें पेस्ट नहीं लगने चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि घना बनाना है तो इसकी प्रूनिंग कर दें, इस टाइम मौसम भी अच्छा है, और शेड में रखें आप जहाँ पर ब्राइट लाइट आती हो, तो धूप में नहीं रखना है, लेकिन रखना बाहर ही है कुछ टाइम के लिए, आउटडोर रखना है शेड में जहाँ पे ब्राइट लाइट आती हो, हवा आती हो, अच्छे से वेंटिलेशन हो प्लांट के लिए। फर्टिलाइजर देते रहें और पानी बिल्कुल ड्रेन, वेल ड्रेन सॉइल होनी चाहिए, तो ये काम कर लेंगे अपने प्लांट में, तो आपका प्लांट जो है वो घना होगा और जल्दी ग्रोथ स्टार्ट होगी। अगर आपके प्लांट में कोई स्टेम भी रह गई है, मान लीजिए सारे पत्ते झड़ चुके हैं और स्टेम रह गई है, तो उस स्टेम को भी कट करेंगे और ये थोड़ा सा काम करेंगे, तो आपका जो आपका क्रोटन का प्लांट है वो अच्छे से ग्रो करना शुरू हो जाएगा। हालांकि मेरा एक क्रोटन, मैं वेकेशन पर गई थी तो वो सूख गया था, तो उस पर भी एक्सपेरिमेंट चल रहा है, मरे हुए क्रोटन को, बिल्कुल मर गया था वो, मैं उसको उखाड़ के फेंकने वाली थी, लेकिन मैंने कुछ देखा उसमें कुछ गुंजाइश थी, तो उसमें अभी एक्सपेरिमेंट चल रहा है, अगर सक्सेसफुल हुआ तो आपके साथ में शेयर करूंगी। फिलहाल आज की जानकारी इतनी ही थी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, अच्छा लगा वीडियो तो लाइक और शेयर जरूर से कर दें। जल्दी मिलूंगी आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।